श्री बारामूला में रहने वाला एक परिवार भी इसी तरीके से पिछले 20 सालों से सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक उनके पास ना तो कोई सरकारी मुलाजिम पहुंचा और ना ही कोई मदद। कश्मीर घाटी में हालात पिछले कई सालों से खराब हैं। यहाँ बेहद कम दिनी लोगों के लिए सुकून से गुजरते हैं और इसका कारण है मिलिटेंसी। मिलिटेंट को खत्म करने के लिए सेना और पुलिस के जवान हर वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हालात खराब होने के बाद सबसे पहले पुलिस ही हिंसक प्रभावित इलाकों में पहुंचती है और हिंसक भीड़ को काबू करने में कई बार सेना और पुलिस के जवान शहीद भी हो जाते हैं। कश्मीर में ही ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनके हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। ऐसा ही एक परिवार कश्मीर के श्री बारामूला में रहता है। इस परिवार में सबसे बड़े अली मोहम्मद भट्ट जो एसपीओ का काम करते थे, वो 28 दिसंबर 1998 को हुए एक आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। अली मोहम्मद भट्ट को शहीद हुए आज 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनका परिवार अब भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल अली मोहम्मद के गुजरने के बाद परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उस समय सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद से कोई सरकारी मदद नहीं मिली। एक शहीद का परिवार इस समय पैसों की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। अली मोहम्मद भट्ट के 2 बेटे हैं, लेकिन जिस समय उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस समय वह घर की तंगी को देखते हुए नौकरी करने को मजबूर है। जी हमें कोई मदद नहीं मिला है, हमें यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। हम छोटे थे उन दिन, हम बहुत छोटे थे, मेरे 2 भाई हैं, हम बहुत छोटे थे, हमारे पास कोई नहीं आया, ना हमें कुछ मदद मिला। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई नहीं आया आज तक। हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ देना चाहिए, हमारे पास ना कभी कोई आया ना आज तक कोई आया है। सिर्फ बोलते हैं SRO मिलेगा, SRO मिलेगा, आज तक ना SRO मिला है ना कुछ मिला है। मेरा ये छोटा भाई है, ये पंप पे जाता है, इसकी आप हालत देखिए, इसकी हालत क्या है। ये बहुत छोटा है, इस टाइम ये पढ़ना चाहिए इसको, ये काम करता है इस टाइम। हमें नौकरी चाहिए, आज 20 साल हो गए, 20 साल ना कि जोक नहीं है, 20 साल हो गए, आज तक हमें कुछ मिला ही नहीं है। वापस वो वीडियो गुजरा सोस पुलिस डिपार्टमेंट काम करा पता गए ये मतलब वो गो ड्यूटी पे गो गाइड ब्लास्ट तथा दौरान गुजरा मतलब इतान वे ना कह मदद कर ना पुलिस डिपार्टमेंट थ्रू तो ना मतलब गवर्नमेंट थ्रू तम पन जान पुलिस डिपार्टमेंट खातर तो तम बल मिले ना मतलब कहें SRO केस तथा तो गो न कहें मतलब ये वन सरकार कह मद मिलन मतलब SRO तथे अगर कह ग। अली मोहम्मद भट्ट एक SPO जवान बनकर पुलिस में देश की सेवा करने के लिए भर्ती हुए थे। दिल में उनके एकमात्र जज्बा था कि देश की हमेशा सेवा करनी है, और वही करते करते वो शहीद भी हुए, लेकिन शहादत के पीछे उनके परिजन लाचार नजर आ रहे हैं। देश के सरकार के मुलाजिमों ने एक बार भी इनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। आज जो हाल इनका है वो न जाने देश में कितने ही जवानों के परिवारों का होगा।
यहाँ जरूरत है कि सरकार ऐसे जवानों के परिवारों का ख्याल रखे और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम परिवार में से एक को तो सरकारी नौकरी जरूर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। बढ़ते हैं आगे और अब बात उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट हो चुके अस्पतालों की। सरकार के लाख दावों के बावजूद, काफी दावे जो है वो सरकार करती है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अस्पताल में लापरवाही का आलम लगातार जारी है। जहां अस्पतालों की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ के चार्ज मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही ने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। क्या ही